तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले वही टेस्ट पेपर के क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उत्तराखंड और भूगोल। ठीक है, तो आज जो भारत का भूगोल है वो खत्म हो जाएगा पूरा और नया पोर्शन उसमें शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है भवन, हिंदी के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, भवन शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? O प्लस O प्लस O प्लस O प्लस O प्लस O संधि और संधि विच्छेद क्या होगा इसका? प्लस N भो प्लस अन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो कौन सी संधि है इसमें भवन में? हरियाणी संधि तो अय आय अव आव की ध्वनि आती है अयादि संधि में। ठीक है, तो अयादि हो जाएगी इसमें। अगले में बताना है किसमें उपसर्ग नहीं है, यानी उपसर्ग रहित कौन सा है इनमें से अत्यधिक। ठीक है, दूसरा है विदेश, तीसरा है सुरेश, फिर है सुयोग। किसमें उपसर्ग नहीं है? सुरेश सुरेश सुरेश। सुरेश में क्या है? सुर धन ईस। ठीक है, तो इसमें सुर मुख्य शब्द हो जाएगा, ईस प्रत्यय लगेगा। तो इसमें क्या है? उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग रहित हो रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट बताना है समूहवाचक इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला इसमें वर्ग, फिर है प्रेस, गण, लोग। प्रेस प्रेस जो है वो अलग है, समूह को नहीं दर्शा रहा है वो। ठीक है, जाए लोग है, गण है और वर्ग है, समुदाय होता है, तो ये सब दर्शाता है। अगला है हृदय का तद्भव क्या होगा? हृदय का तद्भव इसका हो जाएगा हिया। ठीक है, हृदय को तद्भव में क्या बोलेंगे? हिया होगा, संस्कृत में हृदय है। अगला है हार्निया शब्द किस भाषा का है, फ्रेंच का या अंग्रेजी या लैटिन या तुर्की में से? हार्निया शब्द है अंग्रेजी का। ठीक है, नेक्स्ट है चाबी, ये किस भाषा से आया है, तुर्की, पुर्तगाली से, अरबी से, फारसी से? तो पुर्तगाली फारसी चाबी जो आया है पुर्तगाली का ये है। अगला है अशक्य का अर्थ क्या होगा? अशक्य न हो सकने वाला या जिसे जो जिसे शोक न हो या विचारणीय या इनमें से कोई नहीं। अशक्य हो जाएगा न हो सकने वाला, अशोक होता है जिसे शोक न हो, अशोक। अब बताना किस प्रकार का वाक्य यह, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये वाक्य कैसा अर्थ के अनुसार पर कैसा होगा? संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक? अच्छा हो चुका इच्छावाचक वाक्य हो रहा है। तेरे कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरा, हाँ, निंदा करना या चुगली करने के लिए भी आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रयुक्त भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया? 348 तीन सौ210 अड़तालीस में, 210 में भी है। सत्यकाम ये बताना है तुम्हें, रचना सत्यकाम किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ठीक है, पंत जी की रचना है सत्य काम।
अब उत्तराखंड के इसमें कुछ प्रश्न है। कमठ गिरपति किस चंद राजा को कहा गया? अभिलेखों में ये नाम भी मिलता है इसका, कमठ गिरपति, ठीक है, जिसने ब्राह्मण की आंखें निकाल दी थी। कौन था वो? कल्याण चंद चतुर्थ ने किया था ऐसा, उसी को कमठ गिरपति भी कहा गया। फिर जौनसार चकराता तहसील में कब आया था? जौनसार क्षेत्र जो है 1829 में चकराता तहसील में आया था। फिर कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना, KMOUL, 1939 39 में हुई है, 2 साल बाद गढ़वाल की। फिर काठगोदाम रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज में कब बदला गया? 1983 तो 1884 में तो ये बना था नैरो गेज, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 110 साल में बदला गया इसको, यानी कि 1994 4 मई को, ठीक है, तो डेट से याद रखना, 4 मई 1994, 1994 ब्रॉड गेज में इसको बदला गया, पहले नैरो गेज में चलता था। फिर रणी हाट नामक स्थान कहाँ है उत्तराखंड में? रणी हाट कालसी में, श्रीनगर में, मुनस्यारी या डूंडा, इनमें श्रीनगर से है, श्रीनगर में ये। नेक्स्ट है, मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है? मिशन रुकी रुड़की में। फिर भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ में, भेलछड़ा। फिर हरिराम त्रिपाठी ने किसका कुमाऊनी अनुवाद किया? अभिज्ञान स्वातंत्र नहीं, उन्होंने किया था वंदे मातरम का, यानी कि राष्ट्रगीत का कुमाऊनी अनुवाद किया उन्होंने। रामजे नेक्स्ट है, रैमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में, रामजे इंटर कॉलेज, ये कब बना था? 1868 1850 1870 है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, भरत गुफा कहाँ है? ऋषिकेश वो तो भरत मंदिर है, यह चमोली में है, जी सर चमोली सर गुफा। फिर कुमाऊनी के अंतर्गत कितनी उप बोलियां मानी जाती हैं? 12 12 है, त्रिलोचन पांडे ने 12 बताई इसमें, और गढ़वाली के अंतर्गत 8 8 बताई है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। फिर ऊपरी गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? डलहौजी डलहौजी। तो 1848 से और 1856 तक समय है डलहौजी, और डलहौजी ने बहुत सारे जो काम है, जैसे उसी समय डाक व्यवस्था है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, डलहौजी के काल में बहुत सारी चीजों की पहली शुरुआत की गई उस समय। उत्तराखंड की जो अधिकांश नदियों का प्रवाह पथ किस दिशा की ओर है? उत्तराखंड की नदियां दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, या इनमें से कोई नहीं? दक्षिण दक्षिण पूर्व पूर्व की ओर प्रवाह पथ है।
फिर है पौड़ी के फूलचट्टी नामक स्थान में गंगा के साथ कौन सी नदी मिलती है? नयार नदी। नयार नदी का संगम है यहाँ पर फूलचट्टी में। इसके बाद है बिरमा बीनो गगास किसकी सहायक नदियां हैं? ये पश्चिमी रामगंगा। पश्चिम रामगंगा में, ठीक है। और काफी ये गगास वाली नदी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रानी खेत है, ठीक है, इसके किनारे। नेक्स्ट है बाकरा नदी कहाँ से निकलती है? भाकरा नदी का कहाँ है? नैनीताल जनपद से। फिर राज राजेश्वरी का मंदिर देवलगढ़ में किसने स्थापित किया? अजयपाल। अजयपाल। अच्छा नेक्स्ट आ गया है पंचकोसी यात्रा कब प्रारंभ होती है? पंचकोसी यात्रा किस महीने है, मतलब इसमें महीना बताना है, मास है या आषाढ़ या चैत्र या बैसाख में से? ये होता है चैत्र के महीने। वारुणी पंचकोसी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट गंधमादन पर्वत की ऊंचाई क्या है? गंधमादन 6984, ठीक है, 6984 मीटर का है गंधमादन। नेक्स्ट है तीसरे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? गोवान। गोबान जो है तीसरे थे। दूसरे कमिश्नर ट्रेल ट्रेल थे दूसरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल में जो भूस्खलन है कब आया था? 1867 नहीं 1880। दोनों में आया था ये असल में, ठीक है। नैनीताल के जो दो भूस्खलन है उनमें से बड़ा वाला बाद वाला हो जाएगा, तो दोनों ही पूछ सकते हैं। जैसे हिल साइड सेफ्टी कमिटी, तो पहले भूस्खलन के बाद होनी थी 1867, है ना, और दूसरा बड़ा भूस्खलन था जिसमें 151 लोग मारे गए 1880 का। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है तुम्हें क्या दिया है। बैजनाथ और बागनाथ के मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है? कत्यूरी। यह नागर। अगला केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, केदार वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल क्या है? 957 957.2 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के द्वारा दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली गई? ठीक है, क्योंकि 1994 में ही जितने भी मसूरी कांड खटीमा कांड रामपुर तिराहा बड़ी बड़ी घटनाएं भी आंदोलन के दौरान, तो इस वजह से संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ी ताकि पूरी देश के लोग राष्ट्रीय मीडिया देख सके उसको। नेक्स्ट है ओली रोपवे की लंबाई क्या है? ऑप्शन इसमें 3.15, 4.15, 6.15 या 8.15 किलोमीटर में। 4.15।
4.15 किलोमीटर का है औली रोपवे, मसूरी रोपवे इससे बड़ा बनेगा जो अभी अभी बनेगा मतलब प्रस्तावित है। ये 80 साल बंदोबस्त किस कमिश्नर के द्वारा करवाया गया? 430 1800 कितने में था? 23 का, और संवत के हिसाब से था वो 1880। तेरे बेला डोना क्या है? काम लो बेला डोना पौधा है क्या? नृत्य है, दर्रा है, वाद्य यंत्र है? बेला डोना पहला और इसके फादर रहे, ठीक है, जिसका उत्पादन किया गया 1903 से किया गया था। हाँ, नैनीताल बिरला विद्या मंदिर कब बना था? 1947 आजादी के समय इसकी स्थापना की गई है। अगला है अल्मोड़ा जनपद कब बना? 1891। 1891। नैनीताल जिला 1891। फिर बद्री किसकी नस्ल है राज्य में? गाय। बद्री बद्री गाय है, छोटी प्रजाति की गाय है, पर इसको इसके दूध को काफी गुणकारी माना गया है। पंच केदार में से कौन सा धाम या मंदिर है जिसके कपाट हमेशा खुले रहते हैं 12 महीने? कल्पेश्वर। शिव के किस अंग की पूजा होती है कल्पेश्वर में? जटाओं की, इसे जटामौलेश्वर भी कहा जाता है। अगला है मल्लानेश्वर महादेव का मंदिर किस जनपद में? मल्लानेश्वर यह है कुमाऊं के चंपावत में है मल्लानेश्वर महादेव। फिर झुपिया क्या है? उत्तराखंड का ही प्रश्न चल रहा है अभी। गले का आभूषण, गले का है, यहाँ झुपिया हो जाएगा गले में आभूषण। गुंठी क्या है? आभूषण हाथ में पहनने की। ठीक है, गुंठी हो जाएगा हाथ का। टनकपुर किस नदी के तट पर बसा है? काली। काली के तट पर है टनकपुर। किस चंद्र राजा की मृत्यु जहर देके हुई थी या जहर के द्वारा हुई थी इसकी मृत्यु? विजय चंद्र। इनमें से है पता नहीं कि डीवीडी से अधिक क्षमता, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, डीवीडी से अधिक संग्रह वाली क्षमता किसके अंदर है इनमें से? ब्लू रे डिस्क, रेड रे डिस्क, सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क नहीं, फ्लॉपी की बहुत कम होती थी, फ्लॉपी बहुत पहले चलती थी, केवल इम्पोर्टेंट जो फाइल बूट फाइल बोलते हैं वो करते थे उसमें। फ्लॉपी तो 1.44 MB है केवल, MB में है ये। CD इससे थोड़ा बड़ी है, जैसे 600-700 MB। DVD इससे भी बड़ी है, और इसमें बोल रहे DVD से अधिक संग्रह, तो ये होता है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो ब्लू रे डिस्क की क्षमता कई DVD के बराबर होती थी। फिर ARPANET को कब समाप्त किया गया? ये 1990 तक चला था, तो 1990 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला भी कंप्यूटर का है, 1024 GB
किसके बराबर होगा? केबी टीवी के बराबर जी, टेराबाइट। हाँ जीबी से बड़ा टीवी होता है तो फिर पीबी होता है, तो 1 टेराबाइट इसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट है तानसेन का मकबरा कहाँ है? जीएस के क्वेश्चन है। ग्वालियर ग्वालियर एमपी में है, ठीक है ग्वालियर सही है। फिर मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? ऑप्शन इसमें दस्तूर, सूबा, सरकार, निगाहार। सरकार 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 हो जाएगा पूरा। और राज्य स्तर को बोलते थे सूबा, जैसे औरंगजेब के समय सर्वाधिक सूबे हो गए थे और जिला हो गया सरकार। फिर 1922 गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में इधर चित्रंजन दास, चित्रंजन दास जिन्होंने 1923 में एक साल बाद स्वराज पार्टी बनाई है मोतीलाल नेहरू जी के साथ में। फिर किस मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद को महात्मा गांधी की जय के नारे के साथ संविधान सभा ने अपनाया था? जिसके वो हमेशा वो करते थे जैसे छुआछूत है ना, आर्टिकल 17 जो लाया गया था, अनुच्छेद 17 तो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भेदभाव हटाने के लिए, और इसको महात्मा गांधी की जय नारे के साथ संविधान सभा में शामिल करवाया गया। रेवाड़ी क्षेत्र जो था उसमें 1857 विद्रोह का नेता इनमें से कौन सा था? 1857 में यहाँ पे थे तुलाराम, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेता हुए 1857 क्रांति के, जैसे जगदीशपुर है बिहार का जगदीशपुर, यहाँ पे कौन थे? कुंवर सेन। कुंवर सिंह थे जिन्होंने अपना एक हाथ खुद ही काट के गंगा में डाल दिया था, क्योंकि उस हाथ में क्या है गोलियां लगने से वो हाथ उनका खराब होने वाला था, तो उन्होंने वो वहां से जाते हुए उसे खुद ही काट दिया था, तो कुंवर सिंह थे। ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग थे, जैसे झांसी में लक्ष्मीबाई है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये 2 महिलाएं थी। तो इस तरह से पूछ सकते हैं किस स्थान पर महिलाओं ने नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? ये 1962 में, 62 में दिया गया। क्योंकि उन्होंने संविधान सभा के लिए भी देखो काम किया, स्थायी अध्यक्ष भी रहे और संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, फिर 2 बार राष्ट्रपति भी रहे, इस वजह से इनको एक पुरस्कार दिया गया था। अगला है पखुई सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभयारण्य को ही इंग्लिश में बोल देते सेंचुरी। पखुई सेंचुरी कहाँ, किस राज्य में? यह अरुणाचल, ठीक है पखुई सेंचुरी। नेक्स्ट है बादाम पहाड़ का मुख्य खनिज क्या है? बादाम पहाड़ से क्या निकलता है? यहां से लोह अयस्क, लोहे का भंडार है। एक मिनट जरा,
नेक्स्ट है, भारत म्यांमार मैत्री सड़क योजना से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? यह मणिपुर। ठीक है, म्यांमार के साथ जो सड़क जुड़ रही है हमारी वो मणिपुर से होके म्यांमार में जाती है, इसे मैत्री सड़क बोला गया। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। सबसे प्रमुख फसल हमारी यही हो जाएगी, चावल। फिर गेहूं है, नेक्स्ट। नागरिकों को कितने प्रकार की आजादी दी गई है? छह प्रकार। पांच प्रकार या छह, या छह प्रकार की आ जाएगी। किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी। छठे राष्ट्रपति थे, इनको निर्विरोध इनका चुनाव हुआ था। अगले है, जनता दल सेक्युलर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जनता दल जो सेक्युलर पार्टी है, HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न आ गया, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके समान सुविधा दी जाती है? ऑप्शन है इसमें, राष्ट्रपति के समान, उपराष्ट्रपति के समान, कैबिनेट मंत्री के समान, या इनमें से कोई सुविधा नहीं है। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के समान दी जाती है सारी। वित्त मंत्रालय परिसर क्या कहलाता है? यानी वित्त मंत्रालय कहाँ है, दक्षिण ब्लॉक, उत्तर ब्लॉक, 10 जनपद, या इनमें से कोई नहीं। इसे बोलते हैं साउथ ब्लॉक, यानी दक्षिणी ब्लॉक में पड़ता है वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन कौन करता है? आपदा प्रतिक्रिया, आपदा वगैरह जो भी होती है ये गृह मंत्रालय के पास होती है, तो गृह मंत्री करते हैं इसको। फिर संसद के कितने अंग हैं? तीन। तीन अंग हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ईवीएम का संबंध किससे है? वोटिंग मशीन। वोटिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यानी कि चुनाव निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? दूसरी में है। राष्ट्रपति के साथ साथ और भी महानुभावों के वेतन आदि का उल्लेख इसमें हुआ है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। इन्हीं सब महानुभावों के शपथ के बारे में लिखा है, पहले वेतन लेंगे तभी शपथ लेंगे, पहले वेतन है, याद रखना। अगले फीफा वर्ल्ड कप के लिए किस महाद्वीप को चुना गया है? 2026 का जो फीफा होगा, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में होना है। फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल में होता है? चार वर्ष। चार में होता है सारे, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ, विश्व कप, क्रिकेट के विश्व कप, ओलंपिक। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव किस देश के थे? ट्रिगवेली जिनका नाम है।
पहले महासचिव किसे नॉर्वे के? फिर संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? एससीओ कहते हैं इसको। ईरान, इसमें एक सदस्य शुरू वो किया गया था, नवीनतम सदस्य को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें 9 मेंबर है। फिर ब्रिक्स के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? चार पहले 4 ही थे, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो ये चारों को संस्थापक बोलते हैं, ब्रिक। फिर इसमें एस जोड़ा गया, कब से आया था ये दक्षिण अफ्रीका? 2000 10 से, हाँ, 1 साल बाद आया, 9 में ब्रिक बना। जिम ओनील ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हैं, उनकी कल्पना थी एक पुस्तक में, तो वहीं से ये लिया गया था ब्रिक। उत्पादन क्षेत्र में संलग्न श्रमिक क्या कहलाते हैं? उत्पादन क्षेत्र हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र, जहां फैक्ट्री वगैरह में लगे हुए मजदूर हैं, उत्पादन हो रहा है वहां पर, प्रोडक्शन। इनको क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा ब्लू कॉलर। 2020-21 में GDP में तृतीय क्षेत्र यानी तीसरे क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा था? ये था 55% भारत की GDP में तृतीय क्षेत्र। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान लगातार ही ऊपर जा रहा है। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा क्षेत्र। कोई भी कंट्री तभी तरक्की कर सकती है जब उसका सेवा क्षेत्र विकसित हो जाए। अब अरे उत्तराखंड के, देखो बोला था हमने कि मंदिर वगैरह हम इसमें दिए थे। अब है किस ग्रंथ में भृंगतुंग नाम आया है? स्कंद ये था वन पर्व, है ना? पहली लाइन यहीं से शुरू है, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ का नाम क्या है? केदारनाथ के बारे में भृंगतुंग है। प्रांत जी सर नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तिरसठ 63 थे 62 नयनार, शिव के भक्त, शैव धर्म के प्रचारक कह सकते हैं। केदारनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पर है? 35-84 मीटर में, हाँ। और किस नदी के तट पर है ये? मंदाकिनी मंदाकिनी के तट पर है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय उखीमठ ओखीमठ में, ठीक है। ये 1948 में बनी थी समिति, जिसके लिए बद्री केदार मंदिर अधिनियम 1939 ब्रिटिश काल में पारित हुआ था। केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? अत्यूरी कत्यूरी का है। हाँ, केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को क्या कहा जाता है और ये कहाँ के निवासी हैं? मेरे रावल बोलते इनको रावल बोलते हैं। किस क्षेत्र के हैं ये? मूल ब्राह्मण है, मैसूर मैसूर के हैं, जंगम। जंगम में अच्छा, इसके बाद है मुक्ति प्रदा किसे कहा गया? बद्रीनाथ बद्रीनाथ को बोला है मुक्ति प्रदा। किन पर्वतों के बीच में है ये? नर नारायण नर और नारायण हो गए। नर किसके अवतार माने जाते हैं, किसका रूप? अर्जुन अर्जुन का स्वरूप है नर। नारायण तो है ही, नारायणी है वो विष्णु।
किसके नदी के पास है बद्रीनाथ धाम? अलकनंदा। बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? तीन। गर्भगृह, मंडप और सिंह द्वार, यही माना था आयोग ने। ठीक है, तो इसमें तीन ही याद रखना, इसमें चार दे रखे थे पर तीन हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में विकसित है? मुगल शैली या शंकुधारी शैली? तो नहीं, यहाँ के पुजारी क्या कहलाते हैं, मतलब ये कहाँ के निवासी? केरल के निवासी है, रावल नंबूदरी। रावत कहते पर ये केरल के नंबूदरी है। इनको आदि गुरु शंकराचार्य का ही वंशज माना जाता है। कहा जाता है प्राकृतिक जनेऊ इनके शरीर पर होता है, तो ये वहीं से लिए जाते हैं, लगभग उसी गांव के आसपास जहां पे आदि गुरु का जन्म हुआ था। ठीक है, 788 में आदि गुरु का जन्म हुआ था और 820 में उनकी उन्होंने खुद ही देह त्याग कर दिया था 32 साल की आयु में। तो भारत में चार जो ज्योतिर्लिंग थे, ज्योतिर्पीठ की स्थापना करने का लक्ष्य था उनका, और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना, क्योंकि उस काल में बहुत धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था भारत में। नंबूदरी ब्राह्मणों को रावण पद कब और किसने दिया? प्रताप सा ये दिया था ललित शाह ने 1776 में। खंडित प्रतिमा जो लगाई गई है वो किस कुंड से निकाली गई थी? नारद कुंड। नारद कुंड से निकाली थी। तो खंडित प्रतिमा भी एक तो यहाँ पे स्थापित है, वैसे मानते हैं कि खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शंख नहीं बजाया जाता बद्रीनाथ में। कोई ऐसी चीजें जो इस धाम में अलग है। अब गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया? अमर सिंह था, अमर सिंह थापा ने, और बाद में माधव सिंह ने, जयपुर के माधव सिंह ने 1935 में जीर्णोद्धार किया। ठीक है, 1887 में बनाया गया था अमर सिंह थापा। गंगोत्री की जो शीतकालीन गद्दी स्थल है कहाँ है वो? सर्दियों में इसकी पूजा कहाँ होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1808 में किसे भेजा था गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए? मोरक्राफ्ट। ये था कैप्टन रिपर। हाँ यस सर। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? फ्रेजर, 1816 का आई थी। अगला है अब यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मंदिर बनवाया था प्रताप शाह ने, और इसका जीर्णोद्धार किसने किया है? गुलेरिया, देवी जयपुर की रानी है महारानी गुलेरिया। इसलिए जिन मंदिरों के बाद में जीर्णोद्धार हुए, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा उनका कराया था, गंगोत्री का माधव सिंह ने, और यहाँ कराया है महारानी गुलेरिया ने, तो इस पर फिर राजस्थानी शैली का भी कुछ प्रभाव दिखता है। यमुनोत्री की सर्दियों में पूजा कहाँ की जाती है? खरसाली गाँव में सोमेश्वर देवालय। जब सूर्य कुंड का तापमान कितना है? 195 है फारेनहाइट में। ये
यमुनोत्री जाने के लिए अंतिम मोटर गाड़ी का अड्डा जो है वो कौन सा है जहां तक गाड़ी जाती है? ये हनुमान चट्टी। ठीक है, वीडियो परीक्षा में भी पिछली बार पूछ लिया था चट्टी क्या है। तो यात्रियों के लिए जब धार्मिक यात्रा होती थी तो विश्राम गृह बनाए जाते थे, तो ये उसे बोलते थे चट्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं, किस धाम में जाने के लिए एक वो है हनुमान चट्टी पड़ाव है। अब है जागेश्वर में कितने छोटे बड़े मंदिर है? 124 124 है। किस शैली में बना है जागेश्वर का? ये केदारनाथ शैली का ही है। किस शताब्दी के माने गए इन मंदिरों को? 9 सातवीं से और 12वीं के मध्य बने सारे। जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसने लिखा था? यह महेश्वर प्रसाद जोशी, एमपी जोशी ने लिखा। इसमें यहीं पे जागेश्वर का जो पुष्टि देवी का मंदिर है किस शैली में बनाए? पुष्टि देवी है वल्लभी शैली का। हिमालय की द्वारिका किसे कहते हैं? द्वारा कटारमल मंदिर किस शैली का है? उत्तराखंड उत्तराखंड का ही है। इसे बड़ा आदित्य भी कहते हैं या बोधधारी सूर्य मंदिर भी कहा गया है? उत्तराखंड के मंदिर सूर्य मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है। मंदिर के कपाट कहाँ है? इस मंदिर के कपाट दिल्ली संग्रहालय दिल्ली म्यूजियम दिल्ली में रखे हुए। मंजियाली मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी उत्तरकाशी में, कमल नदी के किनारे है ये। कुलसारी मंदिर कहाँ है? चमोली। चमोली। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़। पलेठी मंदिर टिहरी। किस शैली में बनाया और किसने बनवाया? हाँ, कल्याण वर्मन। कल्याण वर्मन आदि वर्मन का माना जाता है, ब्राह्मी लेख भी है क्योंकि इनका और फांसड़ा शैली में है। ये मंदिर देखो कोई इसको वैसे दर्जा प्राप्त नहीं है ना, तो इसको कोई संरक्षित किया जा रहा है। तो वहां पे जो मंदिर था मंदिर के अंदर भी घास फूस उगी हुई है, उसकी मंदिर की स्थिति मतलब खराब है काफी। क्योंकि वहां जो स्थानीय डिग्री कॉलेज के बच्चे गए थे अध्ययन करने, तब तो उन्होंने एक लेटर लिखा है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कि इस पर भी ध्यान दिया जाए, इतना प्राचीन मंदिर है और नहीं तो धीरे धीरे क्या है गायब भी हो जाएगा। अब है कसार देवी कहाँ है? ये अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। तो इसको जो है चुंबकीय शक्तियों के कारण जाना जाता है कसार देवी, थोड़ा अलग मंदिर है और उसे। ठीक है, मेक्सिको के मैचू पिचू से इसकी तुलना की जाती है चुंबकीय शक्तियों के कारण। इसके पेरू लिखा था कितने क्या चीज पेरू में बताया था सर इसमें ना बीएस नेगी में माचू पिचू वाला। पेरू वाला? अच्छा अच्छा ठीक है, पेरू का चेक करना पड़ेगा इसका। मुझे मैक्सिको ध्यान आया था, इसका पेरू ही होगा फिर। हम यस पेरू तो इसमें आ गया, फिर दक्षिण अमेरिका का हो गया। इधर कितने सर नृतकों का चित्रण मिलता है इसमें? 14 14 नृतकों का चित्रण है इसमें। विवेकानंद कब आए थे यहाँ पर?
1890 में, 1897, 1890 हिप्पी आंदोलन का प्रभाव किस दशक में रहा था? ये था 1960-70 का, इस दशक में हिप्पी मूवमेंट एक चला था। अच्छा नेक्स्ट है, पाताल भुवनेश्वर गुफा की लंबाई? ₹160 की है, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा कहाँ है ये? पिथौरागढ़ में। हाट कालिका देवी का मंदिर और वहां पे वो भी है महिषासुर मर्दिनी का सिद्धपीठ, ये भी वही पिथौरागढ़ गंगोली हाट। आदमकद पार्वती की मूर्ति किस मंदिर में मिलती है? जागेश्वर, जागेश्वर बैजनाथ से, बैजनाथ है, बैजनाथ धाम है। अच्छा फिर नानक मत्ता का प्राचीन नाम? चिनकी प्रगना, सिद्ध मता और बक्सी। गुरु नानक ने यहाँ प्रवास कब किया था? ₹1508 में। फिर आषाढ़ी कौथिक कहाँ लगता है? काशीपुर नहीं, वही है देवी धुराजी से बोलते हैं हम, बारह ही देवी। तो रक्षाबंधन के समय याद रखना है, और भगवान मेला ना जहाँ पत्थर मारने की परंपरा है इसके लिए प्रचलित है। किसने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया था? नहीं तो उत्तरायणी मेले का किया था ना? जिम कार्बेट ने। मैन इटर्स ऑफ कुमाऊं में किया था इसका। नेक्स्ट है, मीठा रीठा किन नदियों के संगम पर है? लदिया नदी, लदिया राठिया, 1960 में बना ये। गर्जिया टेम्पल किस नदी के बीच में? रामनगर, कोसी नदी। गर्जिया के निकट ढिकुली किसकी राजधानी थी? कैची धाम भीम करोली बाबा कब आए थे? विशाल भंडारे का आयोजन कब किया जाता है कैंची धाम? 15 जून को। इनका वास्तविक नाम क्या था नीम करौली बाबा का? लक्ष्मी नारायण शर्मा। तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई? 3680।
तृतीय केदार है ये, ठीक है। अब द्वितीय केदार किसे कहते हैं? तृतीय तो तुंगनाथ हो गया, द्वितीय हो जाएगा मध महेश्वर को कहते हैं। हाँ, पंचम केदार कल्पेश्वर। कल्पेश्वर को। कितने केदार हैं जो चमोली जनपद में? दो कल्पेश्वर द लास्ट के दोनों ही है, कल्पेश्वर रुद्रनाथ। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? खनेती। रुद्रनाथ। फिर हर की पैड़ी तो किसने बनवाया था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने, अपने भाई की याद में, बृहद हरि की याद में। जी लाखा मंडल किस नदी के संगम पर है? विखनाड़ विखनाड़ मोदर का यमुना, और यमुना है विखनाड़ एक तो, विखनाड़ रिखना मड़ विखनाड़ भी कहा जाता था इसको पहले, लाखा मंडल क्षेत्र यस को। किस शैली का बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर मिला है यहाँ पर लाखा मंडल से? उत्तराखंड उत्तराखंड शैली का है ना। शैली का ही मिला है। चक्रपुर किसे कहा गया? चक्राता चक्राता हनुमल को। हनुमल जी मंदिर किस सर। शैली में बना है? हाँ, हूँ शैली नागर और हूण के हैं ये, माना जाता है उसको। जागरा त्योहार किस महीने मनाते हैं? श्रावण। ये है सितंबर में, यानी भादो में। उन्नीस हेमकुंड की स्थापना? सौ तीस 30 में। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ी से। अब इसमें देखो भौगोलिक संरचना वाला पढ़ना है, ठीक है। इसी के बाद तुरंत शुरू हो गया है, जिसमें राज्य की सीमा, आंतरिक सीमा, ग्रेटर हिमालय, इसमें से बार बार क्वेश्चन आता है। चोटियों के बारे में पूछ लेते हैं, या जो फॉल्ट वगैरह है उनके नाम पूछ लेते हैं, जी सर। ठीक है। यहां तक तुम्हें पढ़ना है इसमें। उत्तराखंड में कृषि एवं पशुपालन तक लगभग 4 पृष्ठ हो रहे, 3-4, ठीक है। राज्य में कृषि एवं फसल, इससे पहले उत्तराखंड में कृषि पशुपालन वाला टॉपिक तक है। अब है लूसेंट का, बताओगे तुम। भारत में पहला एल्यूमिनियम का कारखाना किस राज्य में लगा था? ये था बंगाल में, ठीक है, आसनसोल। नेक्स्ट है सलेम स्टील प्लांट किस राज्य में है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। विजयनगर कर्नाटक। विजयनगर कर्नाटक। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स रेलवे के उपकरण बनते हैं कहाँ? ये चित्रंजन, ये बंगाल में। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग होता है मोटर गाड़ी उद्योग। जितनी ज्यादा मोटर गाड़ी बनेगी और बिकेगी, तो उससे पता लग रहा है कि लोगों की क्रय क्षमता बढ़ रही है, देश विकसित होने की तरफ जा रहा है। फिर पटसन किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, जूट। जूट है ना, गोल्डन फाइबर भी है। एसीसी की स्थापना कब हुई? एसोसिएट सीमेंट कंपनी 1936 में। नेक्स्ट है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, रेलवे जोन्स बोला था हमने, चेन्नई चेन्नई। में है। पश्चिम मध्य रेलवे,
जयपुर जबलपुर पश्चिम मध्य का जबलपुर हो जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है कर्नाटक हैदराबाद में। कांडला ज्वारीय बंदरगाह का है गुजरात गुजरात का है। सरदार पटेल हवाई अड्डा का है अहमदाबाद में। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 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 हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता बिहार बिहार में सबसे कम है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है महाराष्ट्र गोवा गोवा में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यह हिमाचल में। सर्वाधिक दस के वृद्धि राज्यों में मेघालय में सबसे ज्यादा है और नागालैंड में सबसे कम है वृद्धि है ना। कल से इसमें जो है हिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे ठीक है। यस सर यार संविधान वाला करना है पहले बताओ संविधान का करना है स्टार्ट संविधान का करते हैं सर ना तो वही कर लो फिर राज्य व्यवस्था वाला कर देते कल ठीक है। यस सर तो कल जो है संविधानिक जो विकास होता है और मौलिक अधिकार तक पढ़ लेना भाग तीन तक संविधान का विकास कैसे हुआ संविधान सभा आदि आएगा उसमें मौलिक अधिकार तक आएगा पहले भी पढ़ा हुआ ये है बस रिवीजन करना है तुम्हें। यस सर ठीक है तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर पढ़ लेना जो टॉपिक दिया है और हिंदी के लिए बोला था हमने तो हिंदी के राइटर भी कर लेना हिंदी के राइटर से स्टार्ट कर देते हैं। तो 23 राइटर है देखो पहले भी कई बार पढ़ लिए वैसे तो कल सबसे पहले हम सुन लेंगे छायावाद के है ना। छायावाद के जो चारों लेखक हैं जयशंकर प्रसाद पंत जी है निराला है महादेव वर्मा ठीक है इनको कर लेना तैयार तो ये भी सुन लेंगे ठीक है।